नोएडा के तीन दोस्तों ने मिलकर एक आईफोन ऑर्डर करता है। डिलीवरी बॉय आता है डिलीवर करने। जैसे ही आईफोन हैंडओवर करता है वो तीन लड़का तुरंत भागने की कोशिश करता है वहां से, और जैसे ही वो डिलीवरी बॉय इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है वो तीन लड़का मिलकर इस डिलीवरी बॉय का मर्डर कर देता है। और ये सिर्फ एक ही घटना नहीं, जैसे कर्नाटका में एक 20 साल का लड़का एक आईफोन ऑर्डर करता है, जब डिलीवरी बॉय उसके घर के दरवाजे पे आता है उसके पास ऑलरेडी पहले से कैश नहीं था, तो वो लड़का उस डिलीवरी बॉय का मर्डर करके उस बॉडी को अपने ही रूम में 3 दिन तक छुपा के रखता है। 3 दिन बाद जब पड़ोसियों को स्मेल आता है तब जाके पुलिस को पता चलता है इसके बारे में। ऐसी घटनाएं अब देश के हर कोने से सुनने में आ रहा है। एक फोन के लिए मर्डर तक कर सकते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारे देश में। तो फिर अब खुद सोचिए, जिस फोन के पीछे लोग इतना पागल हो सकता है वो एक सिर्फ नॉर्मल फोन तो नहीं हो सकता। और हाल ही में आईफोन 16 लॉन्च हुआ, तो ये बहुत ही सही मौका है इस बात पे चर्चा करने की, क्या ये सच में एक फोन ही है या फिर फोन से बढ़कर भी कुछ है इसमें। एप्पल ने इस फोन के साथ क्या किया, अपनी पूरी साल भर की कमाई देके एक फोन खरीदने के लिए तैयार है लोग, और पुराने माल को नए पैकेजिंग में देखने के लिए सेम एक्साइटमेंट के साथ हर साल वेट करता हुआ जनता को हाई बोल के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंडिया में भी ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो इस फोन लॉन्च के लिए बेसब्री के साथ वेट कर रहा था, बिकॉज वर्ल्ड में भी इंडिया अब टॉप 5 कंट्रीज में से आ गया, नहीं पर कैपिटा इनकम में नहीं, हाँ और बेरोजगारी के मामले पे भी नहीं, इंडिया टॉप 5 में आ चुका है आईफोन खरीदने के मामले पे। बस सिर्फ US, UK, चाइना एंड जापान के बाद इंडिया का पोजीशन है, जबकि इंडिया इस टेबल पे सिर्फ जापान के नीचे ही रैंक करता है। जबकि इंडिया का अगर पर कैपिटा इनकम देखा जाए, यानी कि एक आदमी का सालाना रोजगार दिखा जाए, तो सब मिला के एक एवरेज इंडियन का जो इनकम है वो एक जापानी पीपल से 12 गुना कम है। विकिपीडिया के अनुसार जापान का एक आदमी साल का $33,000 कमाता है, जो कि लगभग 27 से लेके 30 लाख तक होता है, जबकि ये नंबर इंडिया में सिर्फ $2,500 यानी कि मुश्किल से 2 से 2.5 लाख तक होता है, और एक आईफोन की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपया होता है, यानी कि एक इंसान का लगभग पूरे साल की आधी से भी ज्यादा कमाई लग जाता है एक फोन को खरीदने में। आईफोन बिकने के मामले में फिर भी इंडिया उस कंट्री के बाद आता है जिनका एक महीने का सैलरी यहाँ के इंडियंस के पूरे साल भर का एवरेज सैलरी से ज्यादा है, यानी कि वो लोग अगर चाहे एक महीने के सैलरी से कम 2 आईफोन खरीद सकते हैं। और ये रहा फिर बाकी कंट्रीज का डेटा जो इंडिया से आईफोन खरीदने के मामले में आगे है। चाइना का $13,000, जापान का $33,000, USA का $85,000 और UK का $51,000। जब अब सवाल आता है कि एक इंडियन जिसका कमाई साल में 2 से 2.5 लाख रुपया है एवरेज, क्या वो सच में एक आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं? चलिए समझते हैं इस बात को गहराई से। यहाँ मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। ये 5-6 साल पुरानी बात है, 2019-20 की। हमारे घर में जो काम करने वाली आंटी आती थी, उन्होंने एक बार क्या किया, अचानक से 2 महीने का सैलरी एडवांस में मांगा। तो मम्मी पूछती है उनसे कि क्या हुआ, कोई मेडिकल इमरजेंसी है क्या है? फिर पता चलता है कि उनके पति को नहीं आईफोन नहीं खरीदना था, उनके पति को स्मार्टफोन खरीदना था जो कि लगभग ₹18,000 की है। और तब तक हमारे घर में किसी के पास इतना महंगा फोन नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खरीद नहीं सकते, उनके लिए गलत है, बात को समझो आगे। और मेरे पास तो ये Realme 3 का फोन था जो कि करीब 9 to 10K के बीच में आता था तब। अब ऐसा नहीं है कि उनको अपना शौक पूरे करने का हक नहीं है, जबकि बात है कि हमें पता था कि उनको अपने बेटे का कहीं अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी कराना था। तभी जब उनके सर पे एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो तब वो कैसे सोच सकते हैं कि वो एक इतना महंगा, वो भी 18,000 का फोन अफोर्ड कर सकते हैं? जब हम पूछे तो पूछने पे उनका जवाब था क्या है, अगले 1 साल में चुका देंगे EMI। पर ऐसे समय में ऐसा डिसीजन एक फाइनेंशियल फूल ही ले सकता है। तो देखो, उनको तो फाइनेंशियल एडुकेशन कुछ है नहीं, बट आप तो समझदार हो, आप समझ सकते हो। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनका मंथली जो इनकम है वो ₹30,000 से कम की है, और आप सोच रहे हो एक ब्रांड न्यू आईफोन 16 या 15, अभी जो कोई तो सेल आएगा जिसमें 1 लाख का फोन 70,000 में मिलेगा, उस सेल में अगर आईफोन खरीदने का सोच रहे हो, तो इस वीडियो के एंड तक आप भी अपने डिसीजन को दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये जो लोग आईफोन्स खरीदते हैं, मेरे हिसाब से या तो फिर ये बहुत ज्यादा रिच बंदे हैं, या फिर कोई पागल ही हो सकता है। अब इन दोनों में से पहला वाला जो गलत फहमी है, वो मेरा तब दूर हुआ जब मैंने इस आर्टिकल को देखा। इसमें लिखा है कि 70% जो आईफोन है इंडिया में वो EMI पे बिकता है, और ये जो डेटा है ये भी कुछ दिन पहले का डेटा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर आज का डेटा निकाला जाए तो 70 से 80% हो चुका होगा। अब खुद देखना, कुछ ही दिन बाद ये डेटा भी पब्लिक होगा। और इंडिया टुडे का अगर इस आर्टिकल को देखोगे, तो इंडिया के जो 90% आईफोन यूजर्स है, उनके मंथली इनकम ₹30,000 से कम ही है,
ही यानी कि उन्होंने आईफोन या तो ईएमआई पे ले रखा है, लोन पे ले रखा है, या फिर अपना सालों का सेविंग्स जोड़ करके इकट्ठा करके एक फ़ोन में डाल दिया। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आईफोन के जो ज़्यादातर खरीदार है वो कौन है। एक बात तो इससे क्लियर हो गया कि ये लोग बहुत अमीर तो डेफिनेटली नहीं है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, पागलपन पे। तो इसका जवाब है कि नहीं, ये लोग पागल नहीं है, लेकिन इनको पागल बना दिया जाता है एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के द्वारा जो इनसे इनका सब कुछ गिरवी रखवा के अपना शौक पूरा करने पे इन्हें मजबूर कर देता है, और जो कि इनका शौक एक्चुअल में होता भी नहीं है। इनको ये एहसास दिलाया जाता है कि ये आपका शौक है, ये आपका लग्जरी है। यहाँ देखिए आप, जो बंदा 15,000 रुपए कमाता हो वो वरना अपने साल भर का कमाई लेके एक 1.5 लाख का आईफोन कैसे ले सकता है। यहाँ आते हैं इनके इनसिक्योरिटी का रोल, जिसके साथ एप्पल ने बहुत अच्छे से खिलवाड़ करके अपना एक बढ़िया सा मार्केटिंग टैक्टिक्स तैयार किया है इन जैसे बंदों को अपने टैक्टिक्स में ट्रैप करने के लिए, जिस स्ट्रेटेजी ने आईफोन को हर इंडियन के लिए लगभग आज एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बना दिया है। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये खास करके सिर्फ इंडियंस के लिए ही अलग से बनाया गया है, क्योंकि यही सेम स्ट्रेटेजी जब उन्होंने बाहर अप्लाई करने की कोशिश किया, जैसे और भी अच्छे कंट्रीज हो गए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गया, रशिया हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे ये उतना अच्छा काम नहीं करा, बल्कि काम ही नहीं करा जहां इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये जो स्ट्रेटजी था ये जरूरत से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गया। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडियन जो यूथ था उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है। जेन जी या फिर जेन अल्फा है उनमें से सेविंग्स का मतलब बहुत ही कम लोगों को पता है। एट द सेम टाइम ये जो बाहर के कंट्रीज थे, यहां का जो यूथ था वो लगभग वेल्थ देख के बड़ा हुआ है, तो उनको पता था उनको कहां इन्वेस्ट करना है और कौन सी चीज उन्हें एक्चुअल में जरूरत है और क्या चीज उससे जबरदस्ती खरीदवाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो फर्स्ट जनरेशन वेल्थ बिल्डर है उनके पास पैसा तो आ जाता है लेकिन उसको मैनेज कैसे करे उनका प्रॉपर नॉलेज नहीं होता उनके पास। इसलिए यहाँ ये जो टैक्टिक्स था ये और ज्यादा अच्छे से काम कर गया। अब इस आर्टिकल को देखो, लास्ट के 47 ईयर्स में से लगभग 5 डिकेड्स में से सबसे कम सेविंग्स की रेट है इस साल, और ये जो ट्रेंड है यंग पीपल में ज्यादा देखा गया इंडिया में। और ऑब्वियसली इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि आईफोन्स का मार्केट पे आना और हर साल नया आईफोन लॉन्च होना, और एस्पिरेशन के चलते, कंपटीशन के चलते, स्टेटस मेंटेन करने के चलते ये जो यूथ है, ये जो यंगस्टर्स है नया आईफोन पे आईफोन चेंज करता जा रहा है। कि यहाँ के जो लोग है वो अपने औकात के हिसाब से चीजें नहीं खरीदते, वो चीजें खरीदते हैं अपने औकात दिखाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। तो इस चीज का एप्पल ने जम के एक्सप्लॉयटेशन किया, और जो कि सही भी है। कोई भी अगर और भी कंपनी होता जो अगर इतना स्मार्ट हो तो वे करेगा ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लिए, एलवी हो गया, लुई विटॉन, गुची, इनके जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है वो भी कुछ कुछ हद तक ऐसा ही है, बट एप्पल इस केस में थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट निकल गया। अब क्या करे, एप्पल का प्रमोशन का जो तरीका है वो भी तो थोड़ा कैजुअल है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। देखो एप्पल ने ये किया कैसे, एप्पल ने क्या दिखाया, एप्पल का जो फोन है वो सिर्फ एक फोन नहीं है। एप्पल ने इस फोन को प्रमोट कैसे किया, एप्पल ने अपने फोन को ऐसे ब्रांड किया कि जो बहुत हाई क्लास लोग हैं, जिनको अपने डेटा का बहुत ज्यादा परवाह है, जिसके लिए अपना प्राइवेसी सबसे आगे आता है, उन्हीं लोगों के लिए एप्पल को स्पेशल डिजाइन किया गया है। तो ऐसे क्या किया कि उन्होंने पूरे मास को एक टारगेट किया, वो भी एक नेगेटिव अप्रोच के साथ, लेकिन लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से अपनाया, क्योंकि उनका जो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक था ये प्री प्रूवन था। उनका जो प्राइमरी फोकस था वो इन चीजों पे नहीं था जो एंड्रॉइड ऑलरेडी कर रहा था या फिर और भी बहुत सारे फोन के जो ब्रांड्स थे वो ऑलरेडी मार्केट पे कर रहा था। उन्होंने सबसे पहले आके प्राइवेसी पे फोकस किया, क्योंकि उन्हें पता था कि प्राइवेसी आगे चल के एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बनने वाला है। उन्होंने अपना फोन नहीं बेचा, उन्होंने अपना जो एक ब्रांड था उसको बेचा, उन्होंने एक सिक्योरिटी को बेचा। ये कहते हैं ना कि टेस्ला डजंट सेल कार्स, टेस्ला सेल द आइडिया ऑफ इलॉन मस्क सेलिंग द कार्स, दैट इज व्हाट मेक्स टेस्ला डिफरेंट फ्रॉम अदर ईवी कंपनीज। और अगर एप्पल के बारे में बात किया जाए तो इन सब के पीछे का कोई मास्टरमाइंड है तो वो है द मैन, द मिथ, द लेजेंड, स्टीव जॉब्स। इनको जानने के लिए हमें 18 साल पीछे जाना पड़ेगा आज से 2007, जब आईफोन पहली बार दुनिया के सामने लॉन्च हुआ। ये जो लॉन्च इवेंट था उस दिन सबके होश उड़ गए थे। स्टीव ने पहले आके 3 चीजों का अनाउंस किया, एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन वाला डिवाइस, दूसरा था एक आईपॉड जो कि फुल्ली टच स्क्रीन होगा, और तब ये जो फुल टच स्क्रीन था ये किसी के पास नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, और तीसरा एक मोबाइल लॉन्च किया। इन तीनों का अनाउंस करने के बाद थोड़ी देर स्टीव जॉब्स ने स्टेज में वेट किया और ऑडियंस को गेस करने के लिए बोला। फिर स्टीव ने जब अनाउंस किया तो सबके होश उड़ गए। An iPod, a phone,
and an internet communicator. ये जो तीन डिवाइस था, ये तीनों डिवाइस तीन अलग अलग डिवाइस नहीं होंगे, बल्कि तीन डिवाइस एक डिवाइस के अंदर डाल के एक कॉम्पैक्ट मोबाइल फोन बनाया जाएगा, जिसको नाम दिया जाएगा आईफोन. These are not three separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. ये था वो दिन जब आईफोन का लॉन्च हुआ और स्मार्टफोन के मार्केट में एक नया रेवोल्यूशन चालू हुआ, जिसका पायनियर ऑब्वियसली स्टीव जॉब्स लेड एप्पल था. अब इनके बाद बाकी जितने भी सारे कंपनीज थे, उन्होंने बहुत कोशिश किया कि कम प्राइस में फोन निकाल के एप्पल को बीट करने का, एप्पल का जो फीचर्स था उनको टक्कर देने का या फिर कॉपी करने का, बट एप्पल टिल डेट इस रेस का पायनियर ही है और पायनियर ही रहेगा. अब देखो, अगर आईफोन की क्वालिटी की बात किया जाए, आईफोन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, पर बात है कि क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हो, या फिर अगर कर भी सकते हो तो क्या आपको इसकी जरूरत है भी. और अगर बात रही दोस्तों के बीच पॉपुलर होने की, तो मेरे से सुन लो, कुछ नहीं होता. ज्यादा से ज्यादा आप एक फोटो खींचने का मशीन बन जाओगे दोस्तों के पास, और फिर सब आपको फोटोज मांगते रहेंगे, और अगर ना दो तो उल्टा उनका गुस्सा भी झेलना पड़ता है. तो इससे अच्छा कि आप वो फोटो देने वाला बंदा ना बनके जो फोटो मांगता है, हम जैसे बंदे बनो, ये बहुत ज्यादा अच्छा है. तो अगर आपका डेली का जरूरत है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ शौक है तो आप एक बात जान लो कि ये जरूरत और शौक के बीच का जो डिफरेंस है ना, यही तय करता है कि कौन बंदा आगे चल के एक फिनेंशियल स्टेबल बंदा बनेगा और कौन चल के फिनेंशियली स्ट्रगल करेगा. अब देखो, ये ऐसा नहीं कि आप आईफोन खरीदोगे तो आगे चल के स्ट्रगल करोगे, बट अगर आप एक ब्रांड के झांसे में आके कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप जान लो कि ये ऐसा पहली बार नहीं होगा. इस चीज़ को अभी अगर आप नोटिस करके सुधार नहीं सके तो आगे चल के और भी बहुत से ऐसे गलत डिसीजंस लोगे आप, जिसके चलते आपको आगे फ्यूचर में स्ट्रगल करना पड़ सकता है. तो इससे बेहतर है कि अगर आप अर्ली 20s में हो, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करो और इस चीज़ से बाहर निकालो. अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि आप सोसाइटी में कूल बन जाओगे, दोस्तों में आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और लड़कियां आपसे पट जाएगी. जबकि सच बात तो ये है कि लड़कियां कभी भी एक सोशल मीडिया के फोटोज देख के या फिर वर्चुअल लड़कों को देख के इम्प्रेस नहीं होती है. अगर सच में आपको लड़की को इम्प्रेस करना है तो मैं बोलूंगा आप आईफोन से अच्छा है कि कपड़ों पे इन्वेस्ट कर दो. इससे क्या होगा, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, आप खुद भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, सबसे बड़ी बात आप रियल लाइफ में एक्चुअल में अच्छा दिखोगे. और मुझे लगता है पर्सनली कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में एक अच्छी सी खींची गई फोटो के सामने आपका जो रियल पर्सनैलिटी है, अगर वो ज़्यादा अच्छे से चमके, वो ज़्यादा निखरे, तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है. और खास करके आजकल के AI के ज़माने में फोटोज का उतना कोई क्रेडिबिलिटी है भी नहीं. सही डीप टॉपिक्स पे ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. और इस चैनल में हम आपको एक से बढ़कर एक रीज़न देंगे अपने आप को एज अ इंडियन प्राउड फील करवाने के लिए. Hi, this is Krish and I am a proud Indian signing off. Thanks for watching. Bye.